सारे बाल हो जाओ मेरे। मेहंदी कंप्लीट हुई इसकी। मैडम बताओ कौन सा वाला पसंद आया आपको? चूड़ी चूड़ी। चाची घर जा रहे हैं, चाची ने हमें ईद की दावत दी है। फैशन की दुनिया, और रात के बज रहे हैं एक। हमने एक ब्लॉग स्टार्ट किया है रात से ही, क्योंकि पैकिंग मेरे को इतनी चुल होती है ना पैकिंग करने की, और उसकी फेवरेट काम है पैकिंग। इसको मतलब कुछ दो चैनल दो पैकिंग करना काम देते, बस फट 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 पैकिंग शुरू हो जाएगा इसका, इसको इतना दिमाग चलेगा। तो अभी हम पैकिंग कर रहे हैं, जितने भी सामान है इसमें पहले हमको सबको हटाएंगे, साइड में करेंगे, और उसके बाद जो जो चीज़ें रखनी है वो रखनी है हम इसके में। तो देखते हैं, आराम से अच्छा फेंको मत यार, इसको रखना भी है, फैला के मत रखना। और मुझे बताओगे मुझे मो बताओगे मो तो क्या बताऊंगी। मैंने कहा हरे बाल हो जाओ मेरे। क्या पहनोगे भाई? लाल बाल हरी शर्ट। अरे नहीं, हरी मेहंदी है वो। तो ये हम फैजल के सर में थोड़ी गर्मी चढ़ गई है, तो इसलिए हम रात के 1 बजे हम मेहंदी लगा रहे हैं। यार सही से बैठ रहा हूँ, लगा पाई कैसे? फ्रंट से लगा देंगे बच्चा। अब स्टूल पे बैठो यार, फ्रंट पर बाल में लगेगा वो। और तुम हरा पहन भी रखी हो, ठीक है? हाँ ठीक है। सारे यहाँ से कर दूँगी। नहीं अच्छा लगा। नहीं ठीक है, एक बाल पे लगने से, एक बाल मेरा इधर से उधर ना हो जाए। मेहंदी भाई मांग। एक तो बाल नहीं कटवाएगा, ऐसे जाएगा बालू की तरह। मुझे आपने मना किया। हाँ ये छोटे वाले लड़कों को पता नहीं चलता, तुम कैसे कैसे लगा रही गोबर पोतते हैं। चलो लगा लो मेहंदी। थोड़ी में मेहंदी कंप्लीट हुई इसकी, इतने घने बाल थे इसके। केस कर ले किया कमाल, हमारे बाल रहे नहीं जा रहे। क्या बात है, तुम रात को 1 बजे गले में टांग के तुम कहाँ जा रही हो? आपने बोला ना देखा। आप एक बात बताओ, मैं दोपहर से कहाँ करूँ बताओ। ये रख दो ना, इसमें चूड़े ले चप्पल वाले बॉक्स में। चूड़ी ले आओ, जो चूड़ा है वो चूड़ा निकाल दो, किसी में रख दो। फिर चूड़ा नहीं निकालोगे? इसमें ज्यादा चूड़ी आ जाएंगी। ठीक है, इसमें एक दो लाइन। अपना छोड़ के भी एक्साइटेड हो रहा है कि मैं अपना कब पैकिंग करूंगा, इसका कब खत्म करूंगा। ये रखना है ना? हां ले ले, फर्स्ट पैक कर रहे हैं। देखो हेलो, ठीक है पहले ये पैक करता हूं, उसके बाद अपना पैक करता हूं। भैया तो ऐसे लग रहा है जैसे गांव में ना तो बनिए को। तो मैडम बताओ कौन सा वाला पसंद आया आपको? चूड़ी चूड़ी चूड़ी। अरे चूड़ी नहीं है ये, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है। ये कब तक लगी रहेगी मेहंदी? कौन सा वाली मेहंदी? हाँ अभी 1 घंटा और बाकी। 1 घंटा और? हाँ मुझे कल तक पैकिंग होने में धो लेंगे सीधे। मुझे बस बस 50 रुपए की सीवे बता दो। तो यहाँ का ग्रीन वाली तो सेम आपकी थी, ऐसे ग्रीन वाली नहीं है मेरी। जो वाली पहन के जाएंगे ना पक्का। कैसे थे फिर से बोलो। चूड़ी वाला 4 घंटे से चूड़ी सेट नहीं कर पा रहा मेरा। अरे मैडम ईद में बहुत सेल होती है, देखिए देखिए ये आई अपनी होशियारी दिखाना। ये सही से लगा नहीं, नीचे आ रहा है। मैडम आप चुप रहिए, हमारा काम ना बताइए। अब भी पता आपका काम देखा है। और ये मैं इतने ही सेट ले जा रही हूँ, एक सेट ये पहन के जाऊंगी बस मैं, क्योंकि चोरी काफी हो जाएगी, इतना बहुत है। ये मुस्कान का हम तिजोरी जो मैं ले जा रही हूँ,
थे सेफली। देखो उसके दांत दबा कर तो टूट जाए, टूटना भी नहीं होगा तो टूटना नहीं है, ये मतलब पिचक गया थोड़ा सा, ऐसा होना चाहिए। बहुत कैसे हो गया देखो ये शादी से मुझे अब दिखाए नहीं कि शादी का लहंगे का आपका मुस्कान वॉशरूम बाथरूम में जाके ना ब्रश से ऐसे ब्रश मारियो कैसे लग रहे तो अच्छा है। ले देखे मैं पहले ये सो गई है, अब मेरी पैकिंग बची है जो कि ये हो रही है ठीक है। मुस्कान ने मेरे कुछ 5-6 कपड़े प्रेस कर दिए हैं, तो अभी मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि मुस्कान मैं सोच रहा हूँ ना कट वाले में ले जाऊँ मैं सिर्फ कोट पैंट जूते और ऐसी चीज़ें जो कि अटर गटर है समझिए, और मैं अपने कपड़े जो है ले जाऊँ वो इस वाले बैग में ले जाऊँ। गुड मॉर्निंग वेलकम टू फैजन की दुनिया। ऐसे गुड मॉर्निंग मैं रात को ही बोल दिया था क्योंकि वीडियो मैंने रात से स्टार्ट की है, तो फैजन ये ना मतलब हम थोड़ा सा लेंगे सिर्फ ठीक है ना, रात तो कुछ पैकिंग थी मैं तो सो चुकी थी, तो ये मेरी हमारी ये पैकिंग होगी। फैजन अभी भी लगा हुआ है, इतनी खतरनाक पैकिंग कर रहा है पूछो मत। तो मैं रेडी हो गई हूँ, अब हम जा रहे हैं चच्ची घर जा रहे हैं। चच्ची ने हमें ईद की दावत दी है, जो हमें ईद ऐसे 3 दिन तक चलता है, मेन जो होता है उस दिन तो हमें कुछ कर नहीं पाए हम लोग, तो आज कल मेहमान आए थे ईद के लिए जो ईद विश करने आए थे, और आज हम जा रहे चच्ची घर, चच्ची ने हमें दावत दी है। तो थोड़ा शॉर्ट लूँगी ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम ये यही कंटिन्यू करेंगे अपना जो हमारा पैकिंग हो रहा है, और उसके बाद आपको आगे जर्नी दिखाते हैं, क्योंकि रू भी अभी तक घर नहीं आई है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर वो नहीं आई, कल उसकी फ्लाइट हो रखी है, अगर उसको डिस्चार्ज नहीं किया तो क्या होगा। तो हम सबकी इतनी हार्ट बीट में पैकिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं मन मतलब यहाँ वहाँ नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है बस अल्लाह से छोड़ दे बस कैसे भी जल्दी से, और बोले हाँ वो घर आ रही है। तो फैजल आज फटाफट पैकिंग करके घर वहाँ निकल रहे हैं, हॉस्पिटल निकल रहे हैं, ताकि जाके डॉक्टर से बात करके उसको रिक्वेस्ट करें, अगर डिस्चार्ज भी नहीं करेगा तो हम उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी प्रॉब्लम है। अच्छा मम्मी और ये जाने की तैयारी कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुम्हारी डेली कभी कभी किसी की दावत कर देते हो, कभी कोई तुम्हारी दावत कर देता है। अरे काला काला पहन के जा रहे हो, तुम क्या निकाल लो बढ़िया, तो ऊपर वाले बीच वाले में होगा ना। इतनी सारी चूड़ी दिखी मुझे कल, मैं बेहोश हो गई, देखी कि अल्लाह ने मेरे पास रखी हुई है। बेहोश क्यों हो गए यार, जल्दी चलो फिर मेरे को वहां भी जाना है रूबी के पास। बाय अबीर बाय। चलो चलते हैं फिर, लेकिन मैं ना निकल जाऊंगा। हाँ मैंने बता दिया, बुला लेना ठीक है, मेहंदी लगाई थी, तेल लगा साकी लड़के वैसे ड्रेस में सेम, ये भी ऐसी ये भी ऐसी, लड़के ऐसे बन के आई है शादी में जा रही है। मुस्कान लड़के ऐसे बन गए, फैजल लड़के ऐसे बन गए शादी में जा रही हूँ मैं, और आप लोग ऐसे आए हो कि बॉडी गार्ड 1 घंटे जा ही रहे हैं। समोसे भूख लगी होगी इनको, कह रहे यहाँ रखो मैं भी खाऊंगा। क्या किसमिस गरम है? कौन से ऊपर टूट गया ना, नाश्ता नहीं होना। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। इसमें क्या है? 80 चचा है। क्या खा लिया? छोले बहुत बड़े बनाने थे। हाँ मुझे बहुत टेस्टी से लगे, चटपटे से। देखो अच्छे बनाएंगे। हाँ
बनवा तो अच्छी से मांग लो, ईदी मांग लो आप, मेरी ईदी है। अच्छा आपकी बहुत प्यार। कितने का लिया है आपने? 16-17 हम दोनों 16। नहीं बहुत प्यार लग रहा है। बताओ आप सच्ची सच्ची सूट मांगे, सच्ची सूट दे दो उसको। नहीं निधा ऐसा नहीं है, निधा इस पे ही मैच कर रहा है। आप मैं दोनों पहन सकते हो, दोनों पहन सकते हो आप। वेलकम रूबी। तो कैसा लग रहा है घर पे आके? बहुत घर गंदा लग रहा है, घर गंदा तो है। देखो सामान आ गया भाई, जैसा तूने हॉस्पिटल में रहते थे बंदे ने शॉपिंग किया है सब कुछ। अच्छा है बंक। ये 2 बज रहे रात के और ये हो रहा है क्यों? क्योंकि खाना नहीं बना था। सब हॉस्टल में रहने वाले लोग है ना, हॉस्टल में सब उसमें रहने वाले पीजी में, और मैं आम खा रही हूँ। आप